गाइस आज मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ S23 का। और अभी मैं हूँ सेक्टर 6 का, जो वहाँ पे कल जगन्नाथ जी भगवान आएंगे। ये देखो यहाँ पे इसका क्वालिटी पास से और दिखाता हूँ, ये देखो क्या क्वालिटी देती है भाई S23। तो टेस्ट भी कर लेंगे अपन और फोन भी चला लेंगे, पता भी चल जाएगा क्वालिटी कैसा है। ये भी मेरे को साल भर हो गया भाई ओला, और ओला जब से आया तब से मैं व्लॉगिंग बहुत कम किया हूँ मेरे, एक्चुअली में मेरे को पता है मैं स्प्लेंडर में बहुत ज्यादा व्लॉगिंग किया हूँ। यह साईं मंदिर देख पा रहा हूँ क्या क्वालिटी आ रही भाई, सबका मालिक एक बार। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ भाई, मेरे पास औकात नहीं थी लेकिन मैंने मेहनत किया, कुछ दिन मैं ब्लॉगिंग बंद किया लेकिन कहीं से भी मेहनत किया और व्लॉग बनाता था। सुबह एडिट करके मैं एग्जाम दिलाने तक गया हूँ, मैं पढ़ता कम था। और आज आप लोग को मैं दिखाता हूँ सुपेला का अंडर ब्रिज। यहाँ पे फोटो वोटो खिंचाते थे पहले, नए नए में थे और अभी फिर अब कोई खिंचाता नहीं है। और यहाँ पे ऐसा लगता है भाई अंतरिक्ष में आ गया हूँ। देखो चलो सुपेला भी घूम लेते हैं भाई S23 में वीडियो बनाते बनाते। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सेक्टर 10 का रथ यात्रा जयपुर की, कल आने वाला है यहाँ पे। ये लोकेशन भी दिखाते हैं, मस्त कैमरा क्वालिटी तो बढ़िया आ रहा है, घूमते घूमते यहाँ तक आ गए है नहीं गोलू भाई, बहुत बेस्ट है। देखो 30X S23 का देखो क्वालिटी मस्त है ना, एकदम जबरदस्त क्लियर दिख रहा है, कैमरा क्वालिटी अपना बहुत बढ़िया हो गया। बढ़िया हो गया यार, एक नंबर बढ़िया। ये देखो खाने पीने का स्टॉल लगा है और घूम के आते हैं ऐसी बढ़िया से। आज मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ S23 का, और इसका मेरे हिसाब से तो भाई मेरा जो पिछला फ़ोन था वीवो V25 करके 30,000 का था, और ये 45,000 का मेरे को फ्लिपकार्ट से पड़ गया। क्वालिटी मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। और 1X 3X 6X ऐसे तो 30X तक होता है। और अभी मैं हूँ सेक्टर 6 का, जो वहाँ पे कल जगन्नाथ जी भगवान आएंगे। ये देखो यहाँ पे इसका क्वालिटी पास से और दिखाता हूँ, ये देखो क्या क्वालिटी देती है भाई S23। कम में बम इतना बेस्ट क्वालिटी दे रहा है ना, देखो इस तरीके से पंडाल बना हुआ है भाई। ये सेक्टर 6 का है, और एक तो आप लोगों को घुमा के आया हूँ ऐसे ही रैंडमली, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मेरे को कोई सुबह से प्लान ही नहीं किया था। मैं बोला टेस्टिंग भी हो जाएगी अपनी और व्लॉग भी बन जाएगी। तो देखो A1 क्वालिटी, अभी मैं जा रहा हूँ सीधा इधर से होते हुए सुपेला, और सुपेला से फिर मैं घर चले जाऊँगा। तो टेस्ट भी कर लेंगे अपन और फ़ोन भी चला लेंगे, पता भी चल जाएगा क्वालिटी कैसा है। सुबह मैं इसका अनबॉक्सिंग किया हूँ, तो नॉर्मल व्लॉग बनाया हूँ, मतलब व्लॉग नहीं बनाया, मतलब शॉर्ट वीडियो टाइप का बनाया हूँ। तो मेरे पास आया डिलीवरी बॉय, मैंने खोला फोन, उसका भी दिखाया हूँ आपको, देखे होंगे पहले। तो इस तरीके से इसका फ़ोन का टेस्टिंग भी हो गया और मेरे हिसाब से चला भी लिया मैं। और इसके बाद अभी फिलहाल मैं होता हूँ साईं मंदिर, साईं मंदिर से होते हुए मैं निकल रहा हूँ सुपेला अंडर ब्रिज होते हुए सीधा अपन रामनगर होते हुए बिलाई जामुल पहुँच जाएंगे अपन। तो टेस्ट भी बहुत बेस्ट लग रहा है मेरे हिसाब से, क्वालिटी देखो मेरा ओला का, ये भी मेरे को साल भर हो गया भाई ओला। और ओला जब से आया तब से मैं व्लॉगिंग बहुत कम किया हूँ मेरे, एक्चुअली में मेरे को पता है मैं स्प्लेंडर में बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग किया हूँ। यह साईं मंदिर देख पा रहा हूँ क्या क्वालिटी आ रही भाई, सबका मालिक एक बेहतरीन। मेरे को सोच में पड़ रहा हूँ कि ये फ़ोन अपने पास पहले ही रह जाना था, तो क्वालिटी बेस्ट देता। तो मैं इसलिए गोप्रो का भी सोचा था कि गोप्रो हीरो 10 लेता हूँ, 27,000 का कुछ आ रहा है। तो फिर मैं सोचा कि भाई बाय वन टू गेट वन फ्री अल समझा कि इसमें वीडियो भी बन जाएगा, एडिटिंग भी, फ़ोन ऑन कॉल वॉल्स भी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ज़्यादा अच्छा है। पहले तो मैं सोचा था कि भाई गोप्रो ले लेता हूँ, फिर मैंने सोचा कि भाई स्कूटी तो है, एक हाथ से चल जाती गाड़ी, तो अपने को लेना चाहिए फ़ोन। तो फ़ोन जो है बेटर, यहाँ पर रेडी लगी हुई है खाने वाने की, रात का समय है, लगभग 9:30 के आसपास अप्रोक्स हो गया, 9:31 यहाँ पे देख पा रहे होगे, 9:31 हो रहा है। हाँ ओला में सब चीज़ सिस्टम दिखाता है भाई, 0 किलोमीटर में मेरे को 0 किलोमीटर जाऊँगा मैं, 0% चार्ज है। सतनाम भवन है भिलाई का, रात के समय क्या क्वालिटी आ रही है ना। मैं तो ऐसे ही बनाते जा रहा हूँ भाई, मस्त मस्त ब्लॉग बनाता हूँ अब आप लोग के लिए, क्योंकि S23 आ गया अपने पास, औकात से बाहर फ़ोन भाई, गरीब आदमी। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ भाई, मेरे पास औकात नहीं थी लेकिन मैंने मेहनत किया, कुछ दिन मैं ब्लॉगिंग बंद किया लेकिन कहीं से भी मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद आज मेरे हाथ में S23 है काश मेरे पास। मेरे जितने भी दोस्त यार हैं अभी फिलहाल वो स्ट्रगल लाइफ जी रहे हैं,
जिन समय उन लोग पढ़ाई कर रहे थे, मैं स्ट्रगल कर रहा था, ब्लॉगिंग करता था, है ना। मैं 12th के एग्ज़ाम पे मैंने सोचा कि मेरे को ब्लॉग बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट 12th के एग्ज़ाम दिलाने का सोच के मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया और ब्लॉग बनाता था, सुबह एडिट करके मैं एग्ज़ाम दिलाने तक गया हूँ। मैं पढ़ता कम था, लेकिन आज मैं कहीं ना कहीं मैं मेहनत करके अपने जहाँ भी हूँ खुश हूँ मैं, मेरे पास जो है वो चीज़ है, है ना। आगे मेरे को मालूम है कि मैं और अच्छे से सक्सेस करूँगा। और आज आप लोग को मैं दिखाता हूँ सुपेला का अंडरब्रिज, दिखाते हैं भाई ये इस तरीके से अंडरब्रिज के। ए मुर्जा भाई, मुर्जा मुर्जा, मेरा तो ट्रक बन गया है। ये देखो यहाँ से अंडरब्रिज है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लो, दक्षिण गंगोत्री जाने के लिए रास्ता वगैरह। और इतना बेहतरीन जगह है ना भाई, बेहतरीन, क्या क्वालिटी आ रही है इसमें। और ये नया नया अंडरब्रिज बना है, ये देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से नया नया बना है, बहुत सुंदर लग रहा है, देख रहे हो। यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाते थे पहले नए नए में थे, और अभी फिलहाल अब कोई खिंचाता नहीं है। और यहाँ पे ऐसा लगता है भाई अंतरिक्ष में आ गया हूँ, देखो लग रहा नहीं। और मेरे वीवो में इतना क्वालिटी नहीं था भाई जितना दिखा लूँ आप लोग को, देखो क्या बेहतरीन भाई H23 की क्वालिटी, A1 मेरे हाथ में पहली बार आया भाई, और मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, मैं दिल की बात बोल रहा हूँ जितना भी बोल रहा हूँ। ये देखो इतना एक्साइटेड हूँ मैं भाई, पूछो ही मत। मैं अपने कमाई का वो भी कैश खरीदा हूँ ना, ऐसा नहीं कि किस्त में खरीदा, बहुत कोशिश किया किस्त में कोई दे दे। कई लोगों के पास कार्ड थे, मैं बोला कार्ड दे दो भाई अपना, मैं आपको मंथली पे कर दूंगा करके, कोई ने मदद नहीं किया मेरा, जो किया मैं अपने औकात से किया। और आज मैं कैश खरीदा इसको और ले लिया मैं जैसे तैसे। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों मेहनत करो, फल आपके पास आएगा। देखो ये ताजमहल लग रहा है नहीं, क्वालिटी A1, ऊपर वाला ब्रिज बना हुआ है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि सुपेला साइड से जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि सुपेला रश होगा। चलो सुपेला भी घूम लेते हैं भाई H23 में वीडियो बनाते, है ना। ये देखो किधर से आदमी आता है, इधर से बहुत रश है यार, चले क्या, देखते हैं जो होगा सो होगा। तो इस तरीके से क्वालिटी है भाई। और H23 का आपको अगर लेना है 45,000 के रेंज में, आपको बेस्ट क्वालिटी दे रहा है वो मेरे हिसाब से H23 ही देगा। फ्री में रिव्यू कर रहा हूँ, मेरे को कोई देगा नहीं भाई कि रिव्यू कर करके, क्योंकि मेरा ना इतना सब्सक्राइबर है ना कुछ है, तो मैं फ्री में ही बोल रहा हूँ भाई कि है लायक फ़ोन। आप देखो ना इसको क्वालिटी, देखो क्या बेहतरीन, 2x में कर दिया हूँ। देखो रेडी लगी हुई है यहाँ पे भाई, भेल खाना ज़बरदस्त भेल है। ये अमेज़ॉन का ऑफिस है, मैं यहाँ भी अमेज़ॉन में पार्सल भी बांटा हूँ भाई, आप लोगों को बता देता हूँ ये अमेज़ॉन का ऑफिस है सुपेला में। आज तक मैंने किसी को बताया नहीं था, मैं सुबह 8 बजे से आता था और मैं रात को 11 बजे 12 बजे 11:30 12 बजे तक का मैं पार्सल बांटा हूँ मैं एक्चुअली में सूर्य विहार में। तो जो पार्सल लेते थे ना उन लोग बोलते थे कि बेटा तू आज क्यों पार्सल लेके आया, कल लेके जाना, बारिश में क्यों लेके आया। मैंने बोलता था मैनेजर बोला है भाई आज के डेट में पार्सल डिलीवर करने, इसलिए आना पड़ रहा है। देखो फ्लैश लाके कितना मस्त लग रहा है ना, आप लोग आवाज़ क्लियर आ रही कि मेरे को नहीं पता, बट मैं सोच रहा हूँ कि क्लियर आ रही होगी और क्वालिटी भी अच्छा आ रहा होगा, मेरा थकल भी दिख रहा होगा। अभी गाड़ी चला रहा हूँ, घर पहुँचता हूँ ऑफिस से, सीधा मैं थोड़ा बाहर चला गया था, घर चला गया था बड़ी मम्मी का।